गुड आफ्टरनून। आइए मैं आज आपको 10th क्लास का सिलेबस वाच्य के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में जब क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्ता, कर्म अथवा भाव से जाना जाता है तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य, जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्ता, कर्म अथवा भाव से जाना जाता है तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, वाच्य में जब क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्ता से जाना जाता है। वाच्य में जब क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्ता अर्थात काम को करने वाले से जाना जाता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें जो कर्ता है राम उसके विषय में बताया गया है, क्रिया को कर्ता से जोड़ा गया है, इसलिए यहां कृतवाच्य है। नंबर दो, कर्मवाच्य। जब वाच्य में क्रिया का संबंध उसके कर्म से जाना जाता है, कर्म अर्थात उसके काम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कृतवाच्य में राम पुस्तक पढ़ता है तो ये तो था कृतवाच्य, क्योंकि राम को दिखाया गया राम का पुस्तक पढ़ना। अब अगर उसी को हम कर्मवाच्य में बदलें, कर्मवाच्य में बनाएं तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यानी अर्थात उसका काम दिखाया गया है, राम का काम दिखाया गया है पुस्तक पढ़ना, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके काम से जाना जाता है, उसके कर्म से जाना जाता है। नंबर थ्री, भाववाच्य। भाववाच्य में जब क्रिया का संबंध उसके भाव से जाना जाता है, वाच्य में जब क्रिया का संबंध उसके भाव से जाना जाता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अभी राम ने राम पुस्तक पढ़ता था, अगर इसे आपको बोला जाए कि इसको भाववाच्य में परिवर्तित करो तो उदाहरण राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य, जब वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके भाव से जाना जाता है, जब वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके भाव से जाना जाता है, उदाहरण के लिए राम से पुस्तक पढ़ी गई या राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हमारा भाववाच्य है। लेकिन हमें भाववाच्य को ये ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हमें किसी भी वाच्य को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं, जैसे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, तो हमें उसका काल यानी कि समय देखना पड़ता है। अगर हमारा काल भविष्य, वाक्य हमारा भविष्य काल में, तो हमें वो भाववाच्य भविष्य काल में ही बनाना होगा। अगर वो हमारा काल वर्तमान काल में है तो हमें वो वर्तमान काल में ही भाववाच्य बनाना है। अगर वो हमारा काल भूतकाल में है तो हमें वो भूतकाल में ही बनाना है, देखना होता है हम भाववाच्य में परिवर्तन करते हुए। भाववाच्य, अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है तो हम उसे नकारात्मक में परिवर्तन करेंगे, अगर हमारा वाच्य सकारात्मक है तो हम उसे सकारात्मक में ही परिवर्तन करेंगे। भाववाच्य बनाते हुए या भाववाच्य को परिवर्तन करते हुए हमें उसके काल यानी समय का और ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि वो कौन से काल में किया गया है। तो अभी मैंने आपको कितने भेद बताए वाच्य के तीन भेद बताए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में मैंने आपको बताया जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्ता से जाना जाता है तो वहां कृतवाच्य होता है, कर्ता अर्थात काम को करने वाला। जैसे उदाहरण के लिए राम ने किताब पढ़ी, क्या पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, तो इसमें कर्ता कौन है, राम, इसमें राम दिखाया गया, इसलिए यहाँ कृतवाच्य है। नंबर दो, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके कर्म यानी अर्थात उसके काम से जाना जाता है, इसलिए वहां कर्मवाच्य होता है। उदाहरण के लिए,
जैसे राम से पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा ये तो था कृतवाच्य, राम से पुस्तक पढ़ी गई, और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये किसके में आया, ये हमारा कर्मवाच्य में आया। कर्मवाच्य में हम के द्वारा लगाकर वाक्य को पूरा करते हैं, परिवर्तित करते हैं, क्योंकि के द्वारा लगाकर उसके कर्म काम हमें दिखाई दे दिया जाता है। नंबर थ्री भाववाच्य। भाववाच्य जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध उसके भाव से जाना जाता है तो वहां क्या होता है, भाववाच्य कहलाता है। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम तो ये हमारा भाववाच्य है। लेकिन अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि भाववाच्य को परिवर्तन करते हुए किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करते हुए जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो हमें उसके समय यानी कि काल को देखना पड़ता है कि चाहे हमारा वाक्य हमारा भविष्य काल है या भूतकाल है या वर्तमान काल है, हमें तीनों कालों के अनुसार ही वाच्य भाववाच्य को बनाना पड़ता है। और भाववाच्य अगर नकारात्मक रूप में है तो हम नकारात्मक में ही बनाएंगे, अगर भाववाच्य सकारात्मक है तो सकारात्मक में ही बनाएंगे। ये था हमारा वाच्य का टॉपिक, क्योंकि वाच्य का टॉपिक हमारा संक्षिप्त है तो हमारा ये वाच्य का टॉपिक कंप्लीट हो